اللهم صل علی اللهم صل علی علی محمد اللهم صل अलहमदिल्ला रबालमी वसलात वसलमिल्बिया वमरसलिन महमदी वसाबी अजमीन अम्माबाद नाजरिन कराम आपकी खिदमत में सबसे पहले सलाम पेश करता हूँ व बरकातहू वरकत महतमी में आज हम तस्करा करेंगे उस खातून का जिन्हें हफ्ह बिन उमर के नाम से जाना जाता है नाज़रीन कराम हफ् रज़ी अल्लाह तह फारूक आजम हज़रत उमर रजी अल्लाह की बेटी अखलास मोहब्बत और सच्चाई व दयानतदारी और हकबात कहने वाली हजरत हफ्सा रजील् तह जब पैदा हुई तो आपको मालूम है कि वो मौका था जब क्रैश मक्का खान काबा की तमीर कर रहे थे उस मौके पर हज़रत हफसा रजी अल्लाह तह की पैदाइश हुई बाप कौन था वो जिसके नाम से बड़े बड़े बहादुरों के कलीजे दहल जाते थे जब तक ये इस्लाम नहीं लाए थे मुसलमान तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे थे अल्लाह के दिन पर लोग छुप छुप कर अमल कर रहे थे किसी की जुरात नहीं हुई किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुलकर इस्लाम की तब्लीग कर सके और अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचा सके ये हजरत हफ्सा अल्लाह ताल के बाप उमर ही थे कि जब ये इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिस शख्स को अपनी बीवी को बेवा करना हो और अपने बच्चों को यतीम करना हो वो मेरे सामने आए और फिर मेरा मुकाबला करे चुनान्च हजरत उमर रजी अल्लाह तू के इस्लाम लाने के बाद खुलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके साथ जो मानने वाले आपके लोग थे ईमान वाले उन लोगों ने दीन की तबलीग की हफ्सा रजी अल्लाह तहा की पहली शादी हजरत खुनैस सहमी रजी अल्लाह से हुई ये वो सहाबी हैं जब इन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल वसल्लम मक्के में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं और अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों को पहुंचा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि उनके साथ उनका एक दोस्त भी है उनका एक रफीक भी है जो अबू बकर के नाम से जाना जाता है चुनानक्रमल् हजरत खुनैश रजी अल्लाह तहु से मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे और उनको दीन की दावत देते रहे अल्लाह की बात बताते रहे एक दिन वो आया कि हफ्सा रजियाल्ला के शौहर खुनेस हजरत अबू बकर सिद्दीक की तबलीग से मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल हो गए गजवे बद्र के मौके पर अल्लाह के रास्ते में शहादत के लिए निकले वहां जख्म खाया चोट लगी और उस जख्म खाने के बाद जब वापस लौटे इलाज होने के बाद भी वो अच्छे न हो सके और इस दुनिया से चले गए अब हजरत उमर रजी अल्लाह को अपनी बेवा बेटी की शादी की फिक्र हुई सुय उन्हीं दिनों में सल्ला की बेटी हजरत रुकैया रजी अल्लाह तह का इंतकाल हो गया था जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तन की जोजियत में थी चुनंत हजरत उमर रजी अल्लाह तन ने सबसे पहले उस्मान रजी अल्लाह तह से कहा कि मेरी बेटी से आप शादी कर लें हजरतान तला ने कहा वाक बुखारी किताब निकाह, किताब नंबर सड़सठ नंबर एक सौ बाईस के अंदर है बेवा हो चुकी है आप चाहे तो शादी कर लें तो हजरतानजी तन ने कहा शांतरूफी अमरी के मैं अपने मामले में गौर करूंगा फिर उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तहु अबू बकर सिद्दीक रजील्ला के पास गए उनसे भी यही दरखास्त की कि मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो चुकी है अगर आप चाहें तो शादी कर लें हजरत अबू बकर दिया हजरत उम्र रजी अल्लाह तन को बहुत तकलीफ हुई क्या अबीक रजी अल्लाह तन जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ वो हमसे इतनी बेतवजो ही कर रहे हैं उन्होंने मुझको बेटी की शादी के बारे में जब मैंने उनके सामने बात रखी तो कोई जवाब न दिया उसके बाद कुछ ही दिन गुजरे थे कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लाम ने हज़रत हफसा रजी तह के पास निकाह का पैगाम भेजा और शादी हो गई ये वाक़ा है इस वक्त हजरत हफसा रजियाबा बीस साल थीरत हफसा रजी तयी और आपको उम्र बनने का शर्फ हासिल हुआ इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाहर उमर रजी तन से मिले और कहा क्या उम्र जब तुमने अपनी बेटी की शादी के बारे में मुझसे दरख्वास्त की थी तो मैं खामोश रहा था मैंने कुछ जवाब नहीं दिया था क्यों तो अन्य रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा मैं इसलिए खामोश रह गया था मैंने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी खुद तेरी बेटी का तस्करा सुना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी बेटी हफ् रजी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे फलम अकून उफशी सिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेद को जाहिर करूं लो तरह कहा कबील तोहा हाँ अगर, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तेरी बेटी से शादी का जिक्र ना करते और शादी न करते तो मैं जरूर तेरी बेटी से शादी करता इस तरह से हजरत उमर रजी अल्लाह रजियाल्ला के सामने बात वाज हुई कि क्यों हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था अब हजरत हफसा रजी अल्लाह अक्रमल्म की बीवी बन चुकी है उमुल बन चुकी हैं, हैं। मुसलमानों की माँ बन चुकी हैं और में शामिल हो गई है, है कि जब ये बनी, और जब वसल्लम ने तो इनको अपनी गहरा लगाव हो गया दीन की बात सीखने का दीन की मालूम करने का बहुत शौक पैदा हुआ चुनाच अल्लाह के वसल्लम के ऊपर कोई भी वही आती कोई भी कुरान पाक की आयत नाजिल होती तो वो सुनकर फौरन याद कर लेती थी और इसी के साथ साथ मसाइल के बारे में जानकारी और मालूम करने के लिए बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ न कुछ हजरत पूछती रहती थी हजरत उमर रजी अल्लाह तला की बेटी थी इसलिए मिजाज में कुछ तेजी भी थी मिजाज में कुछ सख्ती भी थी लेकिन कुर्बान जाइए कि अल्लाह के, के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मिसाली शोहर थे कैसे उमदा शोहर थे उन्होंने अपनी बीवी की बात का बुरा नहीं माना चुनान चे रवायत में आता है हदीस हदीस है हदीश नंबर हजरत उमर रजी अल्लाह खुद बयान करते हैं कि हम मर्द लोग इस्लाम से पहले यानी जाहलीत के जमाने में औरतों को कुछ भी अहमियत नहीं देते थे एक मरतबा मेरी बीवी मुझसे कुछ कहने लगी तो मैंने कहा तुमको मेरे मामला से क्या लेना देना तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूं तो मेरी बीवी ने कहा ए खताब, ए खत्ताब खत्ताब के बेटे हम कोई बात आपसे करते हैं तो आप हमारी बात को पसंद नहीं करते हमसे मशवरा नहीं लेते हमारी बात को नहीं मानते लेकिन आप जानते हैं कि आपकी बेटी हफ्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बराबर जवाब देती है हत्ता यजल्ला योमहू गजबान यहां तक के कभी कभी इतना सख्त जवाब दे देती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप दिन भर नाराज और रंजीदा रहते हैं अब हजरत उमर रजी उम्र रजील को यह बात मालूम होनी थी हजरत उमर रजी अल्लाह कहते हैं कि जू ही ये बात मेरी बीवी से मुझको मालूम हुई मैं फौरन हफ्सा रजियाल के पास गया और मैंने अपनी बेटी हफसा से पूछा कि क्या बात है मैंने ऐसी ऐसी बात सुनी है कि तुम अल्लाह के रसूल रसुल्ला को बराबर का जवाब देती हो यहां तक कि अल्लाह के रसूल रसुल्ला दिन भर तकलीफ में रहते हैं गमगीन रहते हैं तो बेटी ने कहा इन्ना खुदा की कसम हाँ हम अल्लाह के रसूल रसुल्ला की बातों का बराबर जवाब दे देते हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपनी बेटी को समझाया देखो बेटी तुम आयशा रजी अल्लाह से अपना मुकाबला न करना क्योंकि आयशा रजी अल्लाह को तहा कोमलम बहुत ज्यादा चाहते हैं तुम घमंड में मुम्ता मत होना और उनसे अपनी बराबरी मत करना और उनसे अपना मुकाबला न करना क्या बीवी थी और क्या शौहर शौहर वो अजीमरतबत हस्ती जो खैरसूल हैं, जो तमाम नबियों में अफजल हैं और बेहतर हैं, और बीवी वो जिसे मुसलमानों की माँ होने का उम्मीन का शरफ और दर्जा हासिल है हमें हजूर अक्रमल्ला की जिंदगी हजूर अक्रमल्ला की बीवियों की जिंदगी को सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरें और हम खुशहाल रहें नाजरीन कराम अब वक्त हो चला एक वक्फे का तब तक के लिए इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़। हाफिस निकराम, कराम असल वरहमल वक्फे से पहले हम तस्करा कर रहे थे उम्र ममिन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तरतबा मेरी बीवी मुझसे कुछ कहने लगी तो मैंने कहा तुमको मेरे मामला से क्या लेना देना तुम अपना काम करो मैं अपना काम करता हूँ तो मेरी बीवी ने कहा ए एबनताब ए खत्ताब के बेटे हम कोई बात आपसे करते हैं तो आप हमारी बात को पसंद नहीं करते हमसे मशवरा नहीं लेते हमारी बात को नहीं मानते लेकिन आप जानते हैं कि आपकी बेटी हफ् अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का बराबर जवाब देती है हत्ता यज़ल्ला योमहू गजबान यहाँ तक के कभी कभी इतना सख्त जवाब दे देती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप दिन भर नाराज और रंजीदा रहते हैं अब हज़रत उमर रजी अल्लाह तह को यह बात मालूम होनी थी हजरत उमर रजी अल्लाह तु कहते हैं कि जू ही ये बात मेरी बीवी से मुझको मालूम हुई मैं फौरन हफ्सा के पास गया और मैंने अपनी बेटी हफ्ते से पूछा कि क्या बात है मैंने ऐसी ऐसी, ऐसी बात सुनी है कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराबर का जवाब देती हो यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर तकलीफ में रहते हैं गमगीन रहते हैं तो बेटी ने कहा इन्ना खुदा की कसम हाँ हम अल्लाह के रसूल की बातों का बराबर जवाब दे देते हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपनी बेटी को समझाया देखो बेटी तुम आयशा रजी अल्लाह से अपना मुकाबला न करना क्योंकि आयशा रजी अल्लाह तला को हजूर अक्रमल्लम बहुत ज्यादा चाहते हैं तुम घमंड में घमंडला मत होना और उनसे अपनी बराबरी मत करना और उनसे अपना मुकाबला न करना क्या बीवी थी और क्या शौहर शौहर वो अजीमत हस्ती जो खैर हैं, जो तमाम नबियों में अफजल हैं और बेहतर हैं, और बीवी वो जिसे मुसलमानों की माँ होने का उम्मीन का शरफ और दर्जा हासिल है हमें हजूरी अक्रम सलम की जिंदगी हजूर अक्रम सलाम की बीवियों की जिंदगी को सामने रख कर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी अच्छी गुजरें और हम खुशहाल रहें हफ्सा रदी अल्लाह तन इंतहाई नेक और शरीफ खातून थी इंतहाई हकगो गो थी हफ् रजी अल्लाह तन और आयशा रजी अल्लाह तला नबी अक्रमल्म की बीवियों में ये दो औरतें हैं जिनमें अक्सर वेशतर आपस में तबादले ख्याल हुआ करता था आपस में एक दूसरे से बातचीत किया करती थी एक मरतबा का वाक़ है ये वाक सही बुखारी किताबो किताब नंबर अड़सठ हदीस नंबर पांच हजार दो सौ सैतीस के अंदर है कि इन दोनों ने मशवरा किया कि देखो क्या बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसुल्लाहश के पास ज्यादा ठहरते हैं तो देखो आज के दिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के पास आएंगे तो हम कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुंह से एक नामानुस चीज की बदबू आ रही है आपके मुंह से कुछ बास आ रही है कुछ बदबू आ रही है क्या बात है चुनाच ऐसे ही हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों में से किसी एक के घर पे गए तो उन दोनों में से किसी ने कहा अल्लाह के वसल्लम क्या बात है कि हम आपके मुंह से कुछ बदबू महसूस कर रहे हैं नामानूस चीज की बू महसूस कर रहे हैं अकल त मगाफिर क्या आपने मगाफिर इस्तेमाल किया है तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैंने तो शहद पी रखा है मैंने शहद का इस्तेमाल किया है उसके बाद अल्लाह के वसल्लम ने कसम खाली कि लन अदलहू कि मैं आप दोबारा शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात अपनी मुबारक से बयान फरमाई तो जाहिर बात है यह आम इंसान की बात न थी यह उस जात की बात थी जिसकी हर बात एक कानून का, का दर्जा रखती है जिसकी हर बात शरीय का दर्जा रखती है चुनानचे अल्लाह तबारक ने झिझोड़ने के अंदाज में अल्लाह के रसूल को फरमाया फौरन वही नाजिल हुई याबी तब तक तगी मजवाज ए नबी तुम अपने ऊपर उस चीज को क्यों हराम कर देते हो जिसको अल्लाह ने हलाल कर रखा है जिसको अल्लाह ने जायज कर रखा है तुम अपनी बीवियों को खुश रखना चाहते हो जबकि अल्लाह इस बात का मुस्तक है कि अल्लाह को खुश किया जाए और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम किया जाए चुनान अक्रम्लम ने इस मौके पर एक राज की बात हफ् रजी अल्लाह ती और कहा ताकी क्या हफ्सा ये राज की बात तुम किसी को न बताना लेकिन जैसा की मैंने अर्ज किया नाजरीन करामत हफसा तहा और हजरत आयशा रजी अल्लाह तला दोनों आपस में मिल बैठ कर तबादला ख्याल करती थी हफसा रजी अल्लाह तहा ने एक राज की बात जो अल्लाह के रसुल्ला ने हजरत हफसा रजी अल्लाह तला से बताई थी वो बात हजरत हफ्सा ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तेज से बता दी जिसका जिक्र तबारक ने फरमाया है वही असर नबीबाज के उस वक्त को याद करो कि जब तुम अपनी बास बीवियों में से किसी बीवी को राज की बात बता रहे थे और अल्लाह तबारक ने लोगों को उस चीज के बारे में बता दिया सवाल यह पैदा होता है यहाँ मुहदसिन कराम ने लिखा है कि वह राज की बात क्या थी जो अल्लाह के रसूल सल्हम ने सिर्फ हजरत हफ्ल ती थी वो राज की बात के बारे में दो राय मुहद्दीन के दरमियान मिलती हैं एक बात तो ये है हजूर अक्रमली ने हजरत हफ्सा से बताया था कि देखो मैंने शहद को अपने ऊपर हराम कर दिया है मैंने शहद को अपने लिए नाजायज कर लिया है और यह बात मैं तुमको बताता हूँ तुम किसी को न बताना और दूसरी बात यह बताई गई है और राज की बात यह थी कि हफ्सा रजी अल्लाह तहा के इशारे पर हजूर अक्रम सल्हलम ने हजरत मारिया किबिया से अपने तल्लु को खत्म करने का इरादा कर लिया था और बताया था कि देखो अबारिया से मैं करीब नहीं हूँ और ये राज की बात तुम किसी को बताना मत नाजरीन कराम हमें देखना चाहिए उनम की जिंदगी को और मताल करना चाहिए जिंदगी का और खसूस अल्लाह के रसूल सल्लाम की बीवियों की जिंदगी का मुताह करना चाहिए कि अल्लाह के रसुल्ला शोहर की हैसियत से अपनी बीवियों के साथ कैसा बर्ताव करते थे और देखना चाहिए कि हजूर अक्रम सल्लम की जो बीवियां हैं वो बीवी होने के साथ वो अल्लाह के रसूल का यानी अपने शोहर का कैसा ख्याल रखती थी और हजूरी अक्रमल्म किस तरीके से उनकी तरबियत फरमाते थे चुनानचे त्रिमजी के अंदर एक वाक़ मौजूद है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल वम की एक बीवी जिनका नाम सफ़िया है अल्लाह के रसूल उनके पास गए तो देखते क्या हैं कि वो रो रही हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अये सफिया क्या बात है कि तुम रो रही हो सफिया रजी अल्लाह रजियाल्ला ने कहा कि अल्लाह के रसूल उमर की बेटी आपकी जोज मुहतरमा हफसा रजियाल्ला ने मुझे यह कहा है कि तुम यहूदी की बेटी हो और इस बात को सुनकर मुझे तकलीफ हुई इसलिए मैं रो रही हूँ देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली शौहर हैं और उनकी बीवी हफ्सा हफ् रजियाल्ला तहा मिसाली बीवी का किरदार निभा रही हैं और इसी के साथ साथ हजरत देखना चाहिए कि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर अपनी बीवियों की किस तरीके से तरबियत कर रहे हैं अगर कोई दूसरी शौकन होती तो आप शोहर को कहने से पहले आपस में लड़ मरती और एक दूसरे से झगड़ा कर लेती लेकिन हजरत सफी और रजियाल तला ने ऐसा नहीं किया पहले अल्लाह के, के रसूल से बताया कि अल्लाह के रसुल मुझे आपकी बीवी हफसा रजी अल्लाह तला ने यहूदी की बेटी कहा है इसलिए मुझको तकलीफ हुई चुनाचे अल्लाह के रसुल्ला ने तरबियत किस तरीके से फरमाई एक मिसाली शोहर का रोल कैसे निभाया अल्लाह के रसुल अगर चाहते तो उसी वक्त हजरत हफसा रजियाल्ला को बुलाकर डांटते धमकाते डराते और या फिर सफिया रजियाल तला को कुछ जवाब देकर खामोश करते लेकिन क्या फरमाया अला के रसुल ने क्या सफिया तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मैं नबी की बेटी हूं मेरा चचा भी नबी है और मैं नबी की बीवी बनकर हूं तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा और फिर तुम्हारे मुकाबले में हफ्सा को किस बात पर फख्र करने का मौका है कि उसने फख्र किया फीमा तफ किस बात पर फख्र करती है हफसा, तुम्हारे मुकाबले में फिर उसके बाद हजरत सफिया रजियाल तहा को हजूरी अक्रमल ने इस तरीके से समझाया और फिर हफ्सा रजियाल्ला को अलग से बुलाकर कहा इतकल्ला हफ्सा एक लफ्ज में तरबियत फरमाई के अल्लाह से डरो अल्लाह से लिहाज करो अल्लाह का ख्याल करो तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारो इसलिए मेरी माए और बहनें साहब कराम की और अजवाज मुतः की जिंदगी का मुताला करें और अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें यह हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तहा हजूर अक्रमल्म की चहीती बीवी थी और इंतहाई नेक खातून थी इलम दीन से इतना शौक था इतना लगाव था कि उन्होंने हजूरी अक्रम सल्हल्म से साठ हदीसें बयान की हैं जिनमें से चार हदीसें बुखारी और मुस्लिम के अंदर और छह हदीसें सिर्फ मुस्लिम के अंदर हैं और बाकी पचास हदीसें हदीस की दूसरी किताबों के अंदर हैं। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तन ने काफी लंबी उम्र पाई हती के हज़रत अमीर मुआविया रजियाल्लाह के दौरे खिलाफत में हजरत हफसारदी अल्लाह तला का इंतकाल हुआ है और उस जमाने में मदीन मनोवरा का जो गवर्नर था मरवान बिन हकम मरवान बिन हकम ने हजरत हफसार जनाजे की नमाज पढ़ाई और खुद मरवान कंधा देकर बहुत दूर तक हजरत हफसारदी अल्लाह तला के जनाजे को लेकर गया और फिर हजरत मग़ीरा बिन शोबा रदी अल्लाह तला जो सहाबिया रसूल है उनके घर तक मदीने का गवर्नर हजरत हफसा के को कंधा दिया और फिर वहां से हजरत अबी कब्रिस्तान तक ले गए और बकी के अंदर हजरते को खाक किया गया। कैसी पाकिजा खातून थी कैसी नेक औरत थी हजरत अबू हुरे रजी अल्लाह तला ने उनको उनकी कब्र के अंदर उतारा और उनको दफन किया जाहिर बात है अल्लाह तबारक वाला ऐसे ही लोगों से राजी होते हैं और अल्लाह तबारक वाले ऐसे ही लोगों को खुशी का परवाना देते हैं इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर यह बात बयान फरमाई है कि अल्लाह तबारक वाली ने मुझको सिर्फ जन्नती खातून से जन्नती औरतों से शादी करने का हुक्म दिया है वाकई इन्होंने अपने किरदार से अपने अखलाक से अपने अमाल से अपनी इशारो कुरबानी से ये साबित करके दिखाया हफ् रजी अल्लाह तहा ने कि वाकई वो जन्नती खातून थी जिन्हें अल्लाह के रसुलत में रहने का शरफ हासिल हुआ और जिन्हें इस बात का भी शरफ हासिल हुआ इस बात का भी दर्जा मिला ये रुतबा भी मिला मुसलमानों की माँ बनकर इस दुनिया से रुख्सत हुई अल्लाह उनसे राजी और ये अपने अल्लाह से राजी नाजरीन कराम हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है हमारा और आपका क्या फर्ज बनता है हम सिर्फ किसी आलिम के जरिए या किसी और बयान करने वाले के जरिए ये हदीसे सुने नबी करीम सल्था सल्था की इन का सुनें। और हमारी जिंदगी जैसे पहले थी वैसी रहे। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है जब हमने इस खातून जन्नत की जिंदगी के बारे में सुना तो हम अपनी जिंदगी को इनकी जिंदगी के मुताबिक ढालें ताकि हमारा अल्लाह भी हमसे राजी हो और हम अपने अल्लाह से राजी हो जाए और फिर अल्लाह तबारक वाला हमको जन्नत का परवाना देकर हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर दे ज़ाहिर बात है, यह उस वक्त होगा जब हमारे अखलाक हजूर अक्रमल्ला जब हम मोहम्मद सल्लाह की जिंदगी का मुताे करेंगे ये उस वक्त होगा जब हम मोहम्मद की बीवियों के अखलाक को अपना कर अपनी जिंदगी को संवारेंगे ये उस वक्त होगा जब, हो जब हम और आप पक्के सच्चे मुसलमान बन जाएंगे जब हमारी माए और बहने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तला की बेटी का किरदार अदा करे तला तो की जिंदगी को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगी हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक वाली ऐसी की अल्लाह तबारक वाल हमें उनकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तोफ़ी अता फरमाए उनके अखलाक को अपनाने की तोफ़ी अता फरमाए और अल्लाह तबारक वाले हमसे उसी तरीके ऐसी खुश हो जाए जिस तरीके ऐसी अल्लाह तबारक वाली अपने नेक बंदों ऐसी خوش وتاهي امين بار ربني بعد ختم كرتاه و اقل دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد. Allahumma salli ala.